जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो मोशन है। आपको टिकटॉक के ऊपर काफी सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिनके अंदर स्लो मोशन किया गया है। सो गाइस, आज वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप स्लो मोशन की वीडियोस बिल्कुल प्रोफेशनल कैसे बना सकते हो। सो काफी सारे लोग जब स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं उनका जो साउंड है वो भी स्लो मोशन में हो जाता है। सो हम जानेंगे कि आप बिल्कुल परफेक्ट स्लो मोशन कैसे बनाओगे जिसका साउंड भी बिल्कुल परफेक्ट हो, जो पहले स्लो हो उसके बाद वो फास्ट हो जाए, उसके बाद वो फिर स्लो हो जाए, जैसे कि ये प्रोफेशनल म्यूजर बनाते हैं। तो आप भी बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। साथ ही में गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो द रोबिन चावला यूजर नेम है, रोबिन चावला नेम है, सो आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट स्लो मोशन वीडियो कैसे बनाओगे। सो गाइस, अगर आप अपने फोन से स्लो मोशन वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो आपको आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है बिल्कुल नॉर्मल में। आपने अपने साउंड को पिक कर लेना है और आप जैसे नॉर्मल वीडियो बनाते हो बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी वीडियो को पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपने उस वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो आप नॉर्मल वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, उसके बाद आपने उस वीडियो के अंदर स्लो मोशन इफेक्ट डालना होगा। तो सबसे पहले एक वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, उसे पोस्ट कीजिए अपने साउंड के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो मैंने एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, तो आपने अपनी एक्टिंग के साथ एक नॉर्मल वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद गाइस, आप प्ले स्टोर से या फिर गूगल के ऊपर से जाकर पावर डायरेक्टर की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, ये पावर डायरेक्टर की ऐप वीडियो एडिटिंग के लिए काफी बढ़िया है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। सो आपने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, तो मैंने कर ली है। सो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टैप करना होगा, उसके बाद आपने यहाँ पर 9:16 के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपने ओके कर देना है। और गाइस, यहाँ पर अब आपने उस वीडियो के ऊपर जाना है जो अभी आपने अपनी टिकटॉक से डाउनलोड की थी, यानी कि आपने अब उस वीडियो को यहाँ पर लाना होगा जिसके अंदर आपने स्लो मोशन इफेक्ट डालना है। सो मैंने अभी जो टिकटॉक के ऊपर से जो आपने वीडियो बनाकर सेव की थी वो यहाँ पर आपने डाल देनी है। सो मैं इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर स्लो मोशन करने वाला हूँ, तो ये यहाँ पर आपने कर देना है। सो गाइस, ये यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाती है। सो गाइस, अब आपने करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर इसके साउंड को रिमूव कर देना है। इस वीडियो के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर इस पेंसिल के आइकन के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर टैप करना है और इस वॉल्यूम को यहाँ पर बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। सो गाइस, अब आपको यहाँ पर उस टाइम के ऊपर जाना होगा जहाँ पर आपने अपने स्लो मोशन को करना स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने यहाँ से स्लो मोशन करना स्टार्ट करना है, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस पेंसिल से नीचे ये सेकंड वाला एक कट का आइकन होगा, इसके ऊपर टैप कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाइए और इसको यहाँ पर रोक दीजिए। सो गाइस, उसके बाद फिर से वीडियो के ऊपर टैप कीजिए और इस कट के ऊपर दोबारा टैप कीजिए। उसके बाद गाइस, ये आपके सामने एक पार्ट अलग से आ जाएगा। सो जो अभी आपने इस पार्ट को कट किया है, इस पार्ट के ऊपर एक बार टैप कीजिए। उसके बाद गाइस, इस पेंसिल के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्पीड, स्पीड के ऊपर आपने टैप कर देना है। सो गाइस, अब आप इस स्पीड को जितना भी कम करोगे ये वीडियो आपकी उतनी ही स्लो हो जाएगी। अगर आप वीडियो को फास्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए। अगर स्लो करना चाहते हो वीडियो को तो यहाँ पर आपने इसको स्लो कर देना है, यानी कि इसकी स्पीड को यहाँ पर कम कर देना है। और यहाँ पर ये हमारी कम हो चुकी है। उसके बाद गाइस, ये यहाँ पर आपकी वीडियो थोड़ी सी स्लो मोशन, गाइस यहाँ पर आप देखते हो आपकी वीडियो के अंदर स्लो मोशन इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। साथ ही में गाइस, जो आपकी वीडियो के और भी पार्ट है वहाँ पर आपने जाना है, उस पार्ट के ऊपर टैप करना है, यहाँ पर कट के ऊपर टैप करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे और जाना है, इस पार्ट के ऊपर और टैप कीजिए और उसके बाद इसे कट कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने जो ये पार्ट कट किया है इसके ऊपर जाइए, इस पेंसिल के ऊपर टैप कीजिए और स्पीड के ऊपर टैप कीजिए और अब इस स्पीड को कम कर दीजिए। जितनी स्पीड आप कम करोगे उतनी ही ये वीडियो आपकी स्लो मोशन यहाँ पर बन जाएगी। सो आप जिस जिस पार्ट को यहाँ पर कट करोगे उस पार्ट का यहाँ पर स्लो मोशन बच जाएगा। सो गाइस, अब आपने ये यहाँ पर देखना होगा कि आपने कौन कौन से पार्ट को यहाँ पर कट करके उसका स्लो मोशन करना है। सो यहाँ पर आपने इसकी वीडियो की स्पीड को कम कर देना है और यहाँ पर आपकी ये वीडियो यहाँ पर स्लो मोशन हो जाएगी। सो गाइस, अब जो मेन बात आती है, जो आपने इसके अंदर जो साउंड डाला था वो अब आपने बंद कर दिया है। सो गाइस, अब आपने करना ये कि आपको यहाँ पर इस मीडिया के ऊपर दोबारा टैप करना होगा। सो गाइस, इसके ऊपर आपने अब दोबारा टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जाना होगा अपनी उसी वीडियो के ऊपर, आपने जाना होगा जो अभी आपने जो की ओरिजिनल वीडियो थी जिसको आपने टिकटॉक से सेव किया था, जिसके अंदर आपने एक्टिंग की थी, जो ओरिजिनल वीडियो थी उसके ऊपर टैप करना है। अब आपने इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है। उसके बाद आपने अपनी इस वीडियो को उठाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसके ऊपर लेकर आना है, फिर इस सेकंड के ऊपर लेना है और उसके बाद इस आखिरी में यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ देना है। और यहाँ पर इस वीडियो को छोड़ने के बाद जो इसका साउंड है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपने इसके ऊपर टैप कर देना है, यहाँ पर ऊपर प्ले वाला है। सो गाइस, जो आपकी वीडियो के अंदर ये जो साउंड था वो यहाँ पर आ जाता है, इस साउंड को थोड़ा आगे कर देना है। सो गाइस, जो भी इस वीडियो के अंदर आपने जो साउंड डाला था वो भी यहाँ पर अब बिल्कुल फिट हो चुका है, यानी कि पहले जब आप ये वीडियो को स्लो मोशन करते थे तो आपका साउंड भी स्लो मोशन हो जाता था, बट अगर आप
इसका यूज करोगे तो आपका ये साउंड बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये स्लो मोशन नहीं होगा और आपकी वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनल वाली स्लो मोशन हो जाएगी। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पर इस सेव के ऊपर एक बार टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने इस प्रोड्यूस के ऊपर टैप करना है, अब यहाँ पर सेव वीडियो टू गैलरी के ऊपर टैप करना है, अब यहाँ पर आपने इसको सेव करना है। तो आपने किस क्वालिटी के अंदर इसको सेव करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद इस प्रोड्यूस के ऊपर एक बार टैप कर देना है और यहाँ पर इस प्रोड्यूस के ऊपर टैप करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर सेव हो जाएगी। सो गाइस आपकी वीडियो अब सेव हो चुकी है, तो आपने अपनी टिकटॉक को ओपन करना है और अब आपने इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड करना होगा। सो इस अपलोड के ऊपर टैप कीजिए और यहाँ पर आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी। सो आपने इसके ऊपर टैप करना है और ये है आपकी स्लो मोशन वाली वीडियो। उसके बाद गाइस आपकी वीडियो यहाँ पर बन चुकी है, अब आपने इसको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है और ये वीडियो यहाँ पर आपकी जाके टिकटॉक के अंदर अपलोड हो जाएगी। सो आपने नेक्स्ट करना है और इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। सो गाइस आप ऐसे करके स्लो मोशन वीडियो टिकटॉक के अंदर बना सकते हो बिल्कुल प्रोफेशनल वाली। अगर आप यहाँ पर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।